आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खबर पर। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर का घेराव किया गया। बेमेतरा जिले में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में 7 सूत्रों की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के उपस्थित में कलेक्टर का घेराव किया गया है, जिसमें अनेक मांगों को लेकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन देकर अपनी मांगों के लिए अनेक किसानों सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं आशीष छाबड़ा के प्रमुख मांगों को लेकर उनका बयान। क्या मांग लेकर आज यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 7 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर का घेराव किया गया है। इसमें प्रमुख मांग है कि बेमेतरा जिला सूखा घोषित किया गया है, लेकिन आज दिनांक तक सूखा होने के बावजूद किसानों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और आज तक कोई राहत कार्य नहीं खोले गए हैं। यहाँ से बड़ी मात्रा में मजदूर पलायन कर रहे हैं। अभी जो ओलावृष्टि हुई है, वर्षा हुई है, उससे भी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। इन्हीं सब मांगों को लेकर, मनरेगा के लंबित भुगतान को लेकर, 7 सूत्री मांग को लेकर यहाँ कलेक्टर का घेराव और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को दिया। किन किन मांगों को लेकर किया गया? लगभग 7 सूत्री मांग है, जिसमें पहला तो बताया ना मैंने कि यहाँ पे अभी सूखा जिला, पूरा बेमेतरा जिला सूखा है, लेकिन आज तक सूखा राहत किसी भी एक किसानों को नहीं दिया गया है और ना ही कोई आगे की इनकी प्लानिंग है। सूखा घोषित होने के बाद भी बड़ी मात्रा में यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। बीमा की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है, बिना की राशि नहीं मिली। अभी वर्तमान में जो ओलावृष्टि हुई है, वर्षा हुई है, उससे भी किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है फसल में, उसकी भी मुआवजे की मांग, मनरेगा के लंबित भुगतान और पुराने जो धान के बोनस वगैरह और 2100 रुपये समर्थन मूल्य और 300 रुपये जो बोनस सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में दी थी, उन सब मांगों को लेकर यहाँ कलेक्टर मांगते।